खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। बिहार के सहरसा जिला में महामारी कोरोना वायरस को लेकर निजी अस्पतालों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल पहुंचने वाले डॉक्टर से लेकर मरीज व उनके परिजनों के लिए अस्पताल के बाहर ही सैनिटाइज्ड होने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अस्पताल के अंदर दाखिल होने से पूर्व लोग पूरी तरह सैनिटाइज्ड हो जाएं और कोरोना जैसे वायरस को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में सहरसा के गांधी पथ स्थित एक निजी सूर्या अस्पताल में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टनल मशीन लगाया गया है, जिसे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। खास बात यह है कि सैनिटाइजर टनल मशीन से गुजरने पर ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सैनिटाइजर के छिड़काव से पूरा शरीर सैनिटाइज्ड हो जाता है, जिससे अगर किसी तरह अगर कोई वायरस हो तो उसे बाहर ही खत्म किया जा सके। निजी अस्पताल में पहली बार इस तरह की व्यवस्था से लोगों में खुशी देखी जा रही है। सर, जिस तरह से कोरोना वायरस का भी महामारी चल रहा है, अस्पतालों में क्या तैयारियां की गई है और क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जो भी पेशेंट और उसके परिजन आ रहे हैं उसकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, और आज एक सैनिटाइजर मशीन मंगाया गया है, जिसमें लगभग 7 से 8 सेकंड तक वो जो स्प्रे होगा पेशेंट के शरीर और कपड़ों के ऊपर। इसके अलावा हमने फॉगिंग मशीन की व्यवस्था की है, जो हर दूसरे दिन फॉगिंग किया जा रहा है। ये ऑटोमेटिक टनल मशीन लगाया गया है, इस होकर जाने वाले इस मशीन से क्या होगा? ये ऑटो फॉगिंग मशीन है, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन पेशेंट के ऊपर या परिजन के ऊपर जो भी इससे गुजरेंगे उसके ऊपर फॉगिंग होगी, और 8 सेकंड तक ऑटो फॉगिंग होती रहेगी जो भी लोग गुजरेंगे, और इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा कम होगा। जिले में पहला ये टनल मशीन है। ऐसा कि मुझे ज्ञात है कि इस सहरसा जिले में कहीं किसी प्रतिष्ठान में इस तरह की मशीन नहीं आई है, और मुझे बाहर से बिहार के बाहर से इस मशीन को मैंने ऑर्डर किया था, जो कि आज इंस्टॉल हुआ है। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट।